हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा? पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया, एकदम मस्त चल रही बच्चों। तो बच्चों, हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के अगले वीडियो में बेटा आ चुके हैं। देखो बच्चों, इसके पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बहुत सारे वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, उनको जाके देख लीजिए, नीचे लिंक दिया गया है। इसके अलावा रियल के और मल्टीपल इंटीग्रल के, डबल इंटीग्रल के, ट्रिपल इंटीग्रल के बहुत सारे वीडियो बेटा अलग अलग मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप टॉपिक के नाम से सर्च कर सकते हैं, जिनका मुझे याद रहा उनका लिंक नीचे मैं दे दूंगा, क्योंकि हर टॉपिक का लिंक बेटा नहीं दे सकते, इतने सारे लिंक हो जाएंगे। तो आप टॉपिक नाम बाय HD मैथमेटिक्स से सर्च कर लीजिए, या फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के तो उसका तो लिंक मैंने दे ही दिया है नीचे, उसको बेटा जरूर जाकर पुराने सारे वीडियोस पढ़ लीजिए कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, फर्स्ट काइंड क्या होता है, सेकेंड काइंड क्या होता है। क्योंकि तो हम लोग अभी जो कन्वर्जेंस पढ़ रहे थे वो फर्स्ट काइंड का बच्चों कन्वर्जेंस पढ़ रहे थे। ठीक है बच्चों, कन्वर्जेंस ऑफ फर्स्ट काइंड बच्चों हम लोग अभी आजकल पढ़ रहे थे। और इसमें बेटा आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट, क्योंकि इसमें बेटा अलग अलग टेस्ट होते हैं, देखना पड़ता है फंक्शन किस टाइप का है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम टेस्ट डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेस्ट बेटा हमको यहाँ पर लगाना है। तो बच्चों आज हम लोग एक टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा, और ये टेस्ट है बच्चों यहाँ पर एवल्स टेस्ट। देखो बच्चों, ये टेस्ट फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल के लिए है। मैंने बताया था फर्स्ट काइंड में क्या होता है कि मान लीजिए a टू b fx dx आपका कोई इंटीग्रल है, तो इसमें या तो a जो है माइनस इनफाइनाइट होगा या b इनफाइनाइट होगा, या दोनों ही, एक माइनस इनफाइनाइट एक प्लस इनफाइनाइट हो सकता है। फंक्शन जो है बाउंडेड होगा, मतलब फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट पर नहीं जाएगी पूरे इंटरवल में, फंक्शन बाउंडेड होगा, मतलब फंक्शन की जो वैल्यूज है वो फाइनाइट रेंज में रहेगी, फंक्शन की वैल्यूज फाइनाइट रहेगी, मतलब कुछ रियल नंबर होगी, फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं जाएगी इस पूरे गैप में, है ना। और ये सब हमें कई बार चेक करना पड़ता है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में सब चेक करके बहुत अच्छे से समझाया भी था। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे बच्चों तो बहुत मजा आने वाला है और सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो बेटा मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, हर टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़िए और पूरा पढ़िए, उसे बीच में नहीं छोड़िए, है ना। बच्चे कहते हैं सर वन शॉट, अरे भाई वन शॉट यहाँ कुछ नहीं होता, वन शॉट में आप बस एक सवाल, पांच सवाल में से एक सवाल याद करके अपना एग्जाम दे सकते हैं, और उनमें से भी आधा अधूरा, और याद करने में ज़्यादा मेहनत है बता दूं मैं आपको। मैथ्स को याद करने बैठ जाओगे तो मैथ्स टफ लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा है, मैथ्स को समझने लग जाओगे तो मैथ्स ईजी लगेगा और कैरियर बन जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर ये नहीं होना पड़ेगा कि अरे यार BSc कर लिया, MSc कर लिया, मैं बेरोजगार हो गया। तो बेरोजगार वही होते हैं जो अच्छे से मन से पढ़ते नहीं है, अदरवाइज BSc में सी या कोई भी कोर्स जो आप अगर मन से कर लें तो वो अपने आप पर बहुत अच्छी एजुकेशन होती है। खैर जाने दीजिए, बातें लंबी हैं, चलती रहेंगी। तो खैर हाँ, मैं बता रहा था कि ये फर्स्ट काइंड के लिए बेटा है, मतलब जिसमें फंक्शन की वैल्यू तो फाइनाइट होगी, लेकिन ये या ये ए इन माइनस इनफाइनाइट होगा या बी प्लस इनफाइनाइट होगा, या दोनों ही चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। खैर चलो, तो देखो एवल टेस्ट बच्चों क्या कहता है, और ध्यान रखना ये टेस्ट जो है दो फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए है, फॉर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, मतलब जब हमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए जाएं। और मैंने बताया था देखो कि जो चीजें इंटीग्रेट हो जाती हैं, जैसे जो फंक्शन इंटीग्रेट हो जाते हैं उनका बेटा कन्वर्जेंस चेक करना बहुत ईजी होता है। इसके मैंने बहुत से आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में कराए थे कि जो फंक्शन इंटीग्रेट हो गए उनका कन्वर्जेंस चेक करना बहुत इजी होता है, उनका कन्वर्जेंस हम बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं फिर लिमिट लगा देते हैं, ये मैंने बताए थे। लेकिन ये सब टेस्ट वगैरह तभी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनकी, क्योंकि वो ऐसे बहुत से फंक्शन हैं जो कि इम्प्रॉपर भी होते हैं और वो इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं, तभी इन टेस्ट की बेटा मतलब है, और इन टेस्ट की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत तभी पड़ती है। ये बात समझो ध्यान से। देखो तो दो फंक्शन के जब प्रोडक्ट होंगे तो इसको हम यूज़ करेंगे। देखो जैसे कि मान लो मेरे पास ये कोई क्वेश्चन है, इंटीग्रल a टू इंफिनिटी fx और φx dx, मान लो मेरे पास ये कोई इंटीग्रल है। अब देखो क्लियर है कि ये इसका अपर लिमिट इनफाइनाइट है, तो मतलब ये फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल है, फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और इन दोनों की वैल्यूज फाइनाइट होंगी इस लिमिट में, a से इन्फिनिटी में इन दोनों की वैल्यूज फाइनाइट होंगी। देखो ये टेस्ट क्या कहता है, इस टाइप के फंक्शन पे लगेगा, जहां दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होंगी उन पर यह टेस्ट काम करेगा। देखो क्या कहता है टेस्ट, ये टेस्ट कहता है कि अगर मान लो इन दोनों में से कोई भी एक फंक्शन, मान लिया मैंने फाई एक्स है, फाई एक्स मान लीजिए बाउंडेड है, फाई एक्स कैसा है मान लीजिए बाउंडेड है,
बाउंडेड का मतलब फाई एक्स की जो लिमिट है वो फाइनाइट गैप में है, मतलब फाई एक्स की जो रेंज है वो फाइनाइट है इस पूरे ही इंटरवल में, ठीक है ना। फाई एक्स की जो रेंज है वो कैसी है, फाइनाइट है इस पूरे इंटरवल में। और ध्यान रखना कि फाई एक्स जो है वो या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है पूरे ही इंटरवल में, मतलब पूरे इंटरवल में या तो इंक्रीजिंग होगा या पूरे इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, दोनों नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजों के लिए इंक्रीजिंग हो जाए कुछ डिक्रीजिंग, तो ऐसी चीजों को मोनोटोनिक कहा जाता है मैथ्स में, जो कि पूरे इंटरवल के लिए या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होती हैं। तो मतलब फाई एक्स बाउंडेड है और मोनोटोनिक है, ठीक है ना। मोनोटोनिक का मतलब या तो इस पूरे इंटरवल में ए से इन्फिनिटी के पूरे इंटरवल में ये फंक्शन या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, दोनों चीजें नहीं लेगा वो। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कुछ वैल्यूज के लिए इंक्रीज कर जाए कुछ के लिए डिक्रीज कर जाए, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। तो फाइव एक्स के साथ में ये खूबी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात देखो, यहां पर ये होना चाहिए इसमें कि इंटीग्रल जो है ए से लेकर के इंफिनिटी और एफ एक्स, इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स, ये जो है ये कन्वर्जेंट होना चाहिए। ये जो इंटीग्रल है बच्चों, ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होना चाहिए। मतलब फाई एक्स बाउंडेड है और फाई एक्स या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और ये जो दूसरा वाला इंटीग्रल है एफ एक्स वो ए टू इंफिनिटी में कन्वर्जेंट होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन हो गई, अगर ये दो कंडीशन हो गई तो फिर ये पूरा का पूरा इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, ध्यान देना, ठीक है ना। तो अगर ये दो कंडीशन हो गई, मतलब दोनों में से कोई एक फंक्शन बाउंडेड और मोनोटोनिक होना चाहिए, कोई भी एक फंक्शन, भाई फाई एक्स या एफ एक्स हम किसी को भी मान सकते हैं, है ना। तो दोनों में से कोई भी एक फंक्शन जो है वो बाउंडेड और मोनोटोनिक होगा, और दूसरा वाला इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट होगा। तो ऐसे केस में इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा ही हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल हमें देखना होगा, सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिया, ये बेटा इसके कुछ बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल होते हैं, ये हर जगह हर किताब में आपको ये एग्जाम्पल मिलेंगे, हर जगह आपको मिलेंगे। ये कुछ इसके बेसिक एग्जाम्पल होते हैं हर टेस्ट के, जो हमें हर जगह दिखाई देंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। मान लो इसका हमें कन्वर्जेंस चेक करना है, इस इंटीग्रल का हमें बच्चों कन्वर्जेंस चेक करना, और यहां पर ए पॉजिटिव है। देखो ए पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि अगर ए नेगेटिव से इंफिनिटी जाएगा, मान लो अगर ए को मैं माइनस टू ले लूं, अब अगर एक्स माइनस टू से इंफिनिटी जाएगा तो उसको रास्ते में जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा तो एक्स बराबर जीरो पर यह अनबाउंडेड हो जाएगा, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इन्होंने ए को क्या रखा है, पॉजिटिव रखा है। अगर ए जीरो, मतलब जीरो के आगे, मतलब ए कुछ पॉजिटिव वैल्यू से इन्फिनिटी जाएगा तो ये पूरा का पूरा फंक्शन अनबाउंडेड नहीं हो पाएगा। देखो अब इसमें इस टाइप का जब भी हम क्वेश्चन देखें, एक बात हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल है क्योंकि कॉस की वैल्यू भी फाइनाइट है और ये एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव से इन्फिनिटी में फाइनाइट वैल्यूज ही लेगा, है ना भाई। देखो हर फंक्शन के थोड़ा थोड़ा बेसिक आने चाहिए, कॉस की वैल्यू माइनस वन से वन तक रहती है, है ना, और ये फंक्शन की वैल्यूज भी फाइनाइट ही होगी, देखो कैसे भी देखते परेशान मत हो। देखो अब जैसे इसमें क्या है बच्चों कि एक फाई एक्स और एक एफ एक्स हमें हमेशा सेलेक्ट करना होता है। तो मैंने कहा मान लो ये हमारा फाई एक्स है, ये मैंने कहा मान लो फाई एक्स है, क्या वन माइनस ए की पावर माइनस एक्स हमारा फाई एक्स है। अब फाई एक्स को बाउंडेड होना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यूज फाइनाइट इंटरवल में आनी चाहिए, उसकी रेंज फाइनाइट इंटरवल में आनी चाहिए। देखो कैसे, देखो ध्यान देते हैं। देखो चूंकि जो हमारा एक्स है वो जा रहा है ए से इंफिनिटी, ठीक, तो माइनस एक्स कहां से कहां जाएगा, ये जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस ए, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। हम इस फंक्शन की रेंज निकालना चाहते हैं, हम इस फंक्शन की रेंज को निकालना चाहते हैं। तो रेंज निकालने के लिए देखो, क्योंकि हमें यह देखना है कि यह बाउंडेड है कि नहीं। अब वैसे तो हम बिना सोचे समझे कह दे यार ये बाउंडेड है और टेस्ट को लगाकर निकल जाए, सवाल को याद कर लें, ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं, कहते अरे भाई ये बाउंडेड है और ये ऐसा ये वैसा, सवाल को याद करके निकल गए, नया सवाल आएगा फंसोगे। तो समझना चाहिए, समझ के करना चाहिए चीजों को, है ना। और पुराने सारे वीडियोस पढ़ेंगे तो मैंने बहुत डिटेल से हर चीज़ आपको समझाई है। ये टॉपिक टफ है लेकिन अगर आपने ये सारे वीडियोस पढ़ लिए तो आपको इस टॉपिक से प्यार हो जाएगा, कन्फर्म है।
कोई भी टॉपिक जो टफ से टफ है, अगर आपने पढ़ लिया तो आपको प्यार हो जाएगा अच्छे से। तो पढ़ने की कोशिश करिए, स्टार्टिंग से पढ़िए। और अगर आपने स्टार्टिंग में एक दो दिन पढ़ लिया तो आप पढ़ने लग जाओगे, आप कहोगे अरे यार मैथ्स तो इतना आसान है, मैंने सोचा ही नहीं था। तो एक दो दिन अगर आपने थोड़ा सा विश्वास दिखा दिया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको आ गया कि हाँ, एक दो दिन अगर आपने थोड़ा हिम्मत कर लिया तो फिर आप पढ़ने लग जाओगे। बस एक दो दिन की बात है ना। चलिए फिर तो देखो बच्चों, जैसे कि अब इसकी रेंज निकालने का एक तरीका तो ये जो मैं बता रहा हूं यहां पर, है ना। अब देखो जैसे e की पावर में ले लो, तो e की पावर में क्या होगा, ये e की पावर माइनस इंफिनिटी होगा और ये e की पावर माइनस a होगा। तो e की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बच्चों चलता है, देखो ध्यान रखना। मतलब अगर x इंफिनिटी जाएगा, अगर x इंफिनिटी जाएगा तो e की पावर x भी इंफिनिटी पर जाएगा, है ना। अगर हम x को इंफिनिटी लेंगे, अच्छा अगर हम x को माइनस इंफिनिटी लेंगे, अगर x को माइनस इंफिनिटी लेंगे तो e की पावर x जो है ये ऑलमोस्ट जीरो होगा, है ना। तो e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो गया, जीरो। टेंडिंग पोजीशन में लिखना चाहिए, हालांकि अगर हम ऐसे लिखें तो ठीक है लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा गलत होता है लिखना, क्योंकि टेंडिंग पोजीशन में चीजें हैं। जब भी इंफिनिटी की बात की जाती है ना तो ज्यादा अच्छा होता है हम टेंडिंग पोजीशन में लिखें, ठीक है ना। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो e की पावर माइनस एक्स लेस देन e की पावर माइनस a हो गया। अब हमने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी फिर चेंज होगी, ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस a और ये हो जाएगा जीरो यहां पर। अब वन ऐड कर दिया, तो जब हम वन ऐड करेंगे तो देखो यहां पर भी क्या होगा, ये ऐसे होगा और ये। तो देखो ये वैल्यू फाइनाइट इंटरवल में आ गई, मतलब कुछ भी इसमें से इनफाइनाइट नहीं है, तो ये फंक्शन बाउंडेड है। ऐसे देख लिया हमने इसका रेंज, ये सही तरीका है देखने का। अदरवाइज ये इन इक्वेशन, ये बेसिक फंक्शन लॉग एक्स है, ए की पावर एक्स है, मॉडुलस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये बेसिक फंक्शन हमारे दिमाग में होने चाहिए, उनके ग्राफ होने चाहिए, है ना, उनमें ग्रेटर लेस वाली चीज़ें होनी चाहिए। ये सब मैंने फंक्शन के बेसिक में पढ़ाया हुआ, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, पढ़ लेना। या फिर आप IIT के जो फंक्शन मैंने पढ़ाए हुए हैं, भाई देखो IIT का अपना एक जो बेसिक होता है बहुत अच्छा होता है, जो बच्चे IIT की तैयारी कर चुके हैं वो इस बेसिक को समझते होंगे। और अगर आपने कभी IIT की तैयारी नहीं करी है तो IIT का कैलकुलस तो जरूर पढ़ लीजिए, फंक्शन तो जरूर पढ़ लीजिए जा करके। मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास 12th एंड IIT का फंक्शन, वो दो दो जगह है, एक HD मैथमेटिक्स में भी है, एक मेरा और चैनल है ज्ञानकोश IIT मैथ्स, ज्ञानकोश IIT मैथ्स में और डिटेल से है। तो आपकी मर्जी है, जितना चाहिए पढ़िए बेटा, ठीक है ना। चलो खैर, तो ये फंक्शन हमारा बाउंडेड है। अब हमें देखना है क्या ये मोनोटोनिक है कि नहीं। देखो ये एक्चुअली हमने फंक्शन की रेंज को निकाल लिया, ये फंक्शन की रेंज यहाँ पर बेटा आ गई और हम समझ गए कि ये फंक्शन जो है हमारा ये एक तरीके से बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ध्यान दो बच्चों यहाँ पर क्या, कि हम ये चेक करें क्या ये मोनोटोनिक है। और मोनोटोनिक को चेक करने का तरीका ये होता है कि हम इसका डिफरेंशिएशन निकालें। तो डिफरेंशिएशन जो है उससे मालूम चलेगा कि ये मोनोटोनिक है कि नहीं है। देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 का 0 हो गया और माइनस ए की पावर माइनस एक्स, माइनस एक्स का फिर से करेंगे तो माइनस 1 होगा, तो ए की पावर माइनस एक्स हो गया। अब देखो ए की पावर एक्स की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, अगर आप एक्स को माइनस एक्स लोगे तब भी ये वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा। देखो जब आप e की पावर माइनस एक्स लोगे ना तो बस ये चेंज आएगा, जो राइट वाला ग्राफ है वो लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट वाला राइट में, जो राइट में ग्राफ बना है वो लेफ्ट में आ जाएगा और लेफ्ट वाला ग्राफ राइट चला जाएगा, है ना। एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से ग्राफ में ये चेंज हमेशा आता है ना। तो देखो ये फंक्शन भी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो e की पावर माइनस एक्स भी पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज से मतलब अगर आप एक्स को ए से इन्फिनिटी तक लोगे तो ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है, वही हम चाहते थे कि ये लगातार इंक्रीज करे या लगातार डिक्रीज करे, वही हम चाहते भी थे। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है इस इंटरवल में, ए से इन्फिनिटी में, है ना, ये बात ध्यान दो। अच्छा एक बात और समझो, जैसे कि हमने यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा, इससे भी इसका हम रेंज निकाल सकते थे। जैसे ये फंक्शन हम समझ गए ना ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन है तो इसका हम रेंज देखो निकाल सकते हैं। देखो कैसे, इंक्रीजिंग है, जैसे कि अगर हम इसमें एक्स को जीरो रखें तो 1-1 जीरो हो जाएगा, जीरो पर वैल्यू जीरो ले लेगा ये, है ना। तो जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी,
हम इसका देखो ग्राफ ग्राफ बनाना चाहते हैं, हम इस फंक्शन का ग्राफ ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो हम समझ गए ये लगातार इंक्रीज करेगा, ये ग्राफ लगातार ऊपर जाएगा, है ना। और ए क्या है, ए कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, तो मान लो ए यहाँ पर कहीं होगा और ये इन्फिनिटी कुछ होगा यहाँ पर ऐसे करके। तो हम अगर एक्स बराबर जीरो पर इसकी वैल्यू देखें तो वन माइनस ई की पावर जीरो मतलब वन हो जाएगा, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो जीरो पर जीरो होगा, इसके बाद लगातार इंक्रीज करेगा। और अगर हम एक्स को, अगर हम एक्स को इन्फिनिटी ले गए तो क्या होगा, वन माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होगा, तो वन माइनस जीरो तो क्या वैल्यू हो गई, वन हो गई। तो इसका मतलब ये कुछ वन पे जाके रुक जाएगा, मतलब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे करके आएगा, मतलब ये यहां पर वन होगा तो वन पर ये रुक जाएगा, और यहां पर ए है तो ए से लेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ फाइनाइट गैप में देखो आई। अब एक्स को अगर ए रख दोगे तो इस पॉइंट पर वाई की वैल्यू मिल जाएगी, क्या हो जाएगी, वन माइनस ई की पावर माइनस है। तो ये इस फंक्शन की बेसिकली रेंज हो गई, और अभी वही हमने देखो निकाली थी अभी इन इक्वेशन से भी, और ऐसे भी देखो आ गई, ये इस फंक्शन की रेंज हो गई। तो मतलब फंक्शन की रेंज फाइनाइट है, मतलब ये बाउंडेड है, फंक्शन की रेंज इस इंटरवल में ए टू इन्फिनिटी में फाइनाइट है, ए टू इन्फिनिटी में फंक्शन की रेंज फाइनाइट है, इसलिए बाउंडेड है ये, इस गैप में ये फंक्शन बाउंडेड है लगातार इंक्रीजिंग में। देखो अब ये ग्राफ ऐसे भी जा सकता था, ये ग्राफ ऐसे भी जा सकता था, तो वो हम वो कॉनकेविटी फिर देखनी पड़ेगी, उसके लिए डबल डेरिवेटिव पे जाना होगा, उससे कोई बहुत हमको मतलब नहीं है ग्राफ की शेप से, ग्राफ का ग्राफ आइडिया अक्सर यहाँ पर चाहिए होता तो हम ऐसे करके ग्राफ का ग्राफ आइडिया लगा लेते हैं। कॉनकेविटी के लिए डबल डेरिवेटिव पर जाना होगा, देखो जैसे इसका अगर हम डबल डेरिवेटिव करें तो नेगेटिव आएगा, तो मतलब कॉनकेव डाउन होगा, तो उस नज़र से भी मेरा ग्राफ सही है क्योंकि ये कॉनकेव डाउन है। जब इस टाइप की शेप ग्राफ लेता है तो कॉनकेव डाउन होता है, जब इस टाइप की शेप लेता है तो कॉनकेव अप होता है, और कॉनकेव अप में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है और कॉनकेव डाउन में डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। ये बातें मैंने पहले भी समझाई होंगी, समझते रहो, अदरवाइज फंक्शन जाके पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हालांकि अगर आपको अभी जरूरत नहीं तो मत पढ़ो, अभी अपना काम का ही पढ़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ो, है ना। ये तो भाई तब है जब हमने एग्ज़ाम ना हो, हमें अच्छा लग रहा है मैथ्स पढ़ने में तो आगे पढ़ें। अब अगर अभी एग्ज़ाम है एक हफ्ते या 15 दिन के बाद, तो पहले एग्ज़ाम में जो जरूरत है उसको ही पढ़ो भाई, ठीक है ना। तो आपके ऊपर है कि आप कितना करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये फंक्शन बाउंडेड है और इंक्रीजिंग भी है। अच्छा, ये फाई एक्स हो गया। अब एफ एक्स को देखें, एफ एक्स ये है, तो फाई एक्स के बारे में क्या होना चाहिए, बाउंडेड और इंक्रीजिंग होना चाहिए। हो गया, बाउंड इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी हो वो अकेला हो, दोनों ना हो, है ना, ये बात ध्यान देना। अच्छा, अब फाई एक्स को कन्वर्जेंट हो, एफ एक्स को कन्वर्जेंट होना चाहिए, चेक करें कि एफ एक्स इसमें क्या है भाई, इसको हमने फाई एक्स माना तो कन्फर्म है दूसरा वाला फंक्शन क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, ठीक है ना। देखो अब एफ एक्स हमारा ये हो गया, एफ एक्स ये फंक्शन हो गया, क्या बोलो, कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं, मतलब ए टू इन्फिनिटी में दिस फंक्शन कन्वर्जेंट है कि नहीं, ए टू इन्फिनिटी में ये फंक्शन कन्वर्जेंट है कि नहीं। अब हम ये चेक करना चाहते हैं भाई, इसको फाइव एक्स मान लिया, इसको एफ एक्स मान लिया, अब हम ये फंक्शन कन्वर्जेंट है कि नहीं चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए बेटा फिर एक कंपैरिजन टेस्ट मैंने बताया था आपको कि मान लो अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू लें, इसका मॉड लें, एक कंपैरिजन टेस्ट को तुमको मैंने बताया था, ये सब पुराने टेस्ट बच्चों याद रखो, और वहां पर ये सवाल भी तुमको मैंने कराया था, है ना। अब इसका कन्वर्जेंट हम डायरेक्ट चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, अगर ये इंटीग्रेट हो जाता तो इसका हम कन्वर्जेंट इसको इंटीग्रेट करके चेक कर लेते, फिर लिमिट लगा देते, लेकिन ये इंटीग्रेट हो नहीं पाएगा। तो फिर हमने इसका कन्वर्जेंट चेक करने के लिए देखो यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट का यूज किया, क्या होता देखो, ये एक्चुअली लेसर इक्वल टू हो जाएगा 1/x² के मॉड से, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। सोचो कॉस एक्स कहां से कहां जाता है, माइनस वन से वन जाता है, लेकिन मॉड कॉस लेंगे तो वो लेसर इक्वल टू वन कहा जाएगा। अच्छा, अब ये चूंकि पॉजिटिव है तो मॉड को हटा दो तो 1/x² हो गया, तो मतलब ये पूरी वैल्यू इससे कम हो गई, तो ये वैल्यू इससे कम है, और अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हुआ तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, यही कंपेरिजन टेस्ट था। तो चेक करें कि क्या ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है ना, इस पूरे का मॉडुलस जो है वो चूंकि इससे कम है ना। अब हम कंपैरिजन टेस्ट लगाने जा रहे हैं,
तो कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि अगर ये इंटीग्रल इससे कम है और अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हुआ तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। तो देखो ये इंटीग्रल आया a टू इंफिनिटी बना अपॉन x स्क्वायर, और मैंने बताया था एक आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट कि इंटीग्रल a टू इंफिनिटी 1 बाई x की पावर n, और यहां पर n n क्या है, यहां पर n 2 है, ये 1 से बड़ा है, तो अगर n 1 से बड़ा है तो ये इंटीग्रल क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ये तुमको मैंने एक टेस्ट बताया था बच्चों, याद करो आप, ये मैंने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट तुमको बताया था और मैंने कहा था बच्चों इसको याद रखो कि a टू इंफिनिटी में 1 अपॉन x की पावर n जो है, a टू इंफिनिटी में 1 अपॉन x की पावर n है, अगर n 1 से बड़ा है तो फिर ये कन्वर्जेंट होगा, अगर n लेसर इक्वल टू 1 होता है तो फिर ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट होता है। ये डायरेक्ट इंटीग्रेट करके हम लोगों ने निकाला था, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, मैंने कराया था आपको ये एक वीडियो में सवाल, तो ये कन्वर्जेंट है। तो चूंकि ये कन्वर्जेंट है इसीलिए ये भी कन्वर्जेंट है। अब ये सब आप लिख देना since therefore करके, since this integral is convergent therefore that integral also convergent, since therefore का use करो, since मतलब चूंकि, therefore का मतलब इसलिए, चूंकि इसलिए, यही चलता रहता है, hence hence proved इति सिद्धम, ठीक है ना। तो ये बस आप, कुछ बच्चे कह रहे सर लैंग्वेज भी लिखा दिया करो, अरे यार इतनी भी नहीं लिख पाओगे तो मतलब करोगे क्या फिर भाई, हिंदी में अगर समझ गए तो सिंस और देयरफॉर का यूज करना है इसमें, है ना, बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट, है ना, वी हैव प्रूव दैट इट इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो एफ एक्स जो है ए टू इंफिनिटी बच्चों कैसा हो गया, कन्वर्जेंट हो गया, लिखो जरा बच्चों ध्यान से, ठीक है। तो मॉड एफ एक्स जो है ये जो, इसको हमें कन्वर्जेंट देखना था या करना था, इस टेस्ट की जरूरत थी, तो इसका मॉड लिया ये इससे कम है, और जिससे ये कम है वो इंटीग्रल इस सेम लिमिट में कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये पूरा इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। वो कन्वर्जेंट क्यों है, इस रिजल्ट से कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट क्यों है, इस रिजल्ट से कन्वर्जेंट है। तो मॉड एफ एक्स लेसर इक्वल टू सम वैल्यूज है और वो इंटीग्रल जो है बच्चों वो कन्वर्जेंट है, इसीलिए यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये इंटीग्रल भी हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अच्छा अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि फाई एक्स बाउंडेड है और इंक्रीजिंग है, और ये फंक्शन क्या हो रहा है, ये फंक्शन कन्वर्जेंट हो रहा है a टू इंफिनिटी में, इसका मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, क्या बोलो, इनका जो प्रोडक्ट है क्या बोलो, फाई एक्स और एफ एक्स, ये एवल टेस्ट की हेल्प से क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। यही हमारा एवल टेस्ट होता है। फाई एक्स और एफ एक्स दो फंक्शन हमने लिए, फाई एक्स की रेंज को देखा वो बाउंडेड होना चाहिए, हालांकि बाउंडेड ये भी होगा क्योंकि अगर बीच में अनबाउंडेड हुआ फिर वो सेकंड काइंड का इंटीग्रल हो जाएगा ना, तो बाउंडेड तो एफ एक्स भी होना ही चाहिए, और उसका वो है ही, देखो भाई ए को एक्स को ए से इन्फिनिटी ले जाओगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर जो है ना उसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगी, भाई एक्स को इन्फिनिटी रखोगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, और एक्स को कुछ पॉजिटिव रखोगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर फाइनाइट ही रहेगा। तो ए टू इन्फिनिटी में 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू इन्फाइनाइट कभी नहीं होगी, और कॉस तो वैसे भी इन्फाइनाइट कभी नहीं होता क्योंकि कॉस तो हमेशा माइनस वन और वन के बीच में ही रहता है, साइन भी माइनस वन और वन के बीच में रहता है, तो बाउंडेड तो ये भी है लेकिन ये कन्वर्जेंट भी है। फाई एक्स पता नहीं कन्वर्जेंट है कि नहीं लेकिन वो बाउंडेड और इंक्रीजिंग है, तो दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। यही हमारा ये टेस्ट बच्चों यहां पर देखो कहता है, तो लिखो जल्दी से बच्चों, एवल टेस्ट की हेल्प से हमने कह दिया कि हमारा कन्वर्जेंट है। तो जब भी कोई इस प्रकार का सवाल आए तो पहले एवल टेस्ट लिख देना कि हम एवल टेस्ट का यूज कर रहे हैं, और एवल टेस्ट का ये स्टेटमेंट होता है, जो भी टेस्ट आपको लगाना हो किसी क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव एग्जाम अगर आपके सामने कोई है, अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हैं या देते हैं, तो जो भी टेस्ट आप अप्लाई करते हैं उस टेस्ट को पहले डिक्टेट कर देना, लिख देना कि भैया बहना ये टेस्ट लगाने जा रहे हैं। लिखो जरा फटाफट जल्दी से आगे बढ़े। एक और बढ़िया हम लोग बेटा सवाल यहां पर पढ़ते हैं, टेंशन नहीं पालना बिल्कुल भी। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे ये दुनिया लेकिन मेरे महबूब,
वो छलक जाता है जो पैमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। शमा कहे परवाने से अरे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा। देखो बच्चों, ये सवाल हमें करना है ए टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये देखो फर्स्ट काइंड का इंटीग्रल है क्योंकि तो इसकी अपर लिमिट इन्फिनिटी है और ए टू इन्फिनिटी में ये पूरी वैल्यू बाउंडेड है। भाई देखो ऐसा है ना, जैसे कि 1/x² जो होता है ना, इसका ग्राफ कुछ इस तरह चलता है, ये ऐसे करके ये ग्राफ कुछ इसका चलता है 1/x² का। एक्स को इन्फिनिटी ले जाओगे तो वाई की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। एक्स अगर इन्फिनिटी पर जाएगा तो वाई ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, और अगर एक्स जीरो के पास जाएगा तो वाई इन्फिनिटी पर जाएगा। और चूंकि ये इवन फंक्शन है, एक्स को माइनस एक्स रखोगे तो वाई की वैल्यू सेम है। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा फंक्शन इवन होता है। तो इवन फंक्शन की खास बात ये होती है, जैसा ये वाई एक्सिस के राइट में होता है वैसा ही वाई एक्सिस के लेफ्ट में होता है। कोई भी इवन फंक्शन हो जाए, इवन फंक्शन का मतलब एक्स को माइनस एक्स रखने से वाई की वैल्यू पर फर्क ना पड़े। तो खैर हमें ये फंक्शन कहां से कहां देखना है, ए टू इन्फिनिटी पर देखना है। तो कुछ ए टू इन्फिनिटी पर जब आप देखोगे तो ए पर कुछ वैल्यू इसकी ये होगी, ए पर वैल्यू क्या होगी 1/a² होगी, और इन्फिनिटी पर वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो गई। तो देखो ये फंक्शन की जो रेंज है ना ये फाइनाइट है, इसकी रेंज क्या हो गई ऑलमोस्ट जीरो से लेकर के 1/a² तक, तो इसलिए ये बाउंडेड है। और साइन एक्स तो वैसे भी बाउंडेड होता है, माइनस वन और वन के बीच में रहता है। ई की पावर माइनस एक्स, देखो मैंने बताया अभी आपको ई की पावर माइनस ग्राफ जो कुछ ऐसे चलता है। अब आप एक्स को क्या ले रहे हो, ए से इन्फिनिटी ले रहे हो है ना, तो x बराबर देखो जीरो रखने पर वैल्यू वन लेगा ये, x बराबर जीरो रखने पर ये वैल्यू वन लेगा। और x को इन्फिनिटी लोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा जो कि ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा है ना। ऐसे करके ये देखो ग्राफ x एक्सिस के पास जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जा रही है, मतलब y की वैल्यू लगभग जीरो हो जा रही है। कब, जब x इन्फिनिटी पर जाएगा। तो देखो यहां पर x को a लिया तो क्या हो जाएगा, x को a लेने पर, एक्स को ए लेने पर ये हो जाएगा ई की पावर माइनस ए। तो ऐसे करके देखो ये कुछ इसकी रेंज हो गई। देखो ये भी फाइनाइट है, जीरो से लेकर ई की पावर माइनस ए तक इसकी रेंज है, फाइनाइट है। तो सब कुछ फाइनाइट है, मतलब पूरा का पूरा वैल्यू बाउंडेड है, तभी फर्स्ट काइंड है। अगर बीच में किसी भी पॉइंट पर ये इनफाइनाइट होता तो फिर सेकेंड काइंड में पहुंच जाता, उसके अलग टेस्ट है फिर, ठीक है ना। दूसरी बात, हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे इसलिए किसी टेस्ट की जरूरत है। भाई फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेते तो इंटीग्रेट करके ही आंसर निकाल लेते, कोई भी टाइप हो, चाहे फर्स्ट टाइप हो चाहे सेकंड टाइप हो, सबके मैंने सवाल बताया आपको। इंटीग्रेट अगर हो जाएगा तो कोई भी टाइप हो आसान है सवाल, जब इंटीग्रेट नहीं हो रहा तो हम ये टेस्ट लगाएंगे। तीसरी बात, अब ये दो चीज़ों का मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के लिए हमें हमारे मैथमेटिशियंस ने एवल टेस्ट दिया है। तो एवल टेस्ट का बच्चों यहाँ पर देखो हम यूज करने के लिए फ्री हैं। अब देखो इसमें क्या है, 5x ये हो गया e की पावर माइनस एक्स। 5x कैसा है, बाउंडेड, हम देख चुके हैं इसकी रेंज कैसी है, बाउंडेड है। इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होगी, जीरो से लेकर e की पावर माइनस एक्स तक आएगी, ये बाउंडेड है। तो 5x कैसा है, बाउंडेड है, क्योंकि इसकी रेंज फाइनाइट है, मतलब इसकी रेंज में कहीं भी इनफाइनाइट नहीं आ रहा या माइनस इनफाइनाइट नहीं आ रहा। दूसरी बात देखो, हमने देखा ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ग्राफ बता रहा है डिक्रीजिंग है, या इसका डिफरेंशिएशन देख लो। अगर डिफरेंशिएशन देखोगे तो क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है लेकिन आगे लगा है नेगेटिव, इसलिए पूरी वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। तो फंक्शन लगातार डिक्रीज करेगा। तो 5x क्या है, बाउंडेड है और मोनोटोनिक है, दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है। fx देखें, fx इसको fx माना, sin x / x स्क्वायर को fx माना। अब हम इसको चेक करें कि क्या ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो उसके लिए फिर देखो भाई कंपैरिजन टेस्ट का यूज कर लो। ये साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है डीएक्स, अब हमें चेक करना है क्या ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। तो इसके लिए फिर वही तरीका है क्या, कि इसका मॉड देख लिया जाए। इसका मॉड क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि लेसर इक्वल टू, क्योंकि मॉड साइन की वैल्यू भी वन से कम होगी, भाई साइन भी कॉस की तरह ही माइनस वन से वन तक होता है, तो इसलिए मॉड साइन भी क्या हो जाएगा, लेसर इक्वल टू वन हो जाएगा।
तो ये लेसर इक्वल टू ऊपर आ गया 1/x2, चूंकि वो पॉजिटिव है तो मॉड के बाहर ले लो, 1/x2 आ गया। तो इसका मॉड इससे कम है, इसका मॉड इससे कम है, और ये वाला इंटीग्रल a टू इंफिनिटी में क्या है, देखो यहां पर फिर वही n की वैल्यू 1 से ज्यादा है। इस टाइप का इंटीग्रल जब भी कभी होता है 1/x n, और अगर n 1 से बड़ा है, n यहां पर 2 है जो कि 1 से बड़ा है, तो ये कन्वर्जेंट है, है ना। तो ये वाला जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है, तो अगर ये कन्वर्जेंट है और इसका मॉड इससे छोटा है तो ये भी कन्वर्जेंट है। तो ये इंटीग्रल क्या है बच्चों, कन्वर्जेंट है, कैसे, कंपैरिजन टेस्ट से। ये कंपैरिजन टेस्ट लगाया क्योंकि इस पूरे का मॉड जिससे कम है वो कन्वर्जेंट है, तो ये मॉड जिससे कम है वो कन्वर्जेंट है। वो कन्वर्जेंट क्यों है, क्योंकि ये रिजल्ट होता है a टू इंफिनिटी 1/x n में, n 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट है, n क्या है 2 है तो कन्वर्जेंट है। तो चूंकि ये कन्वर्जेंट है इसलिए ये इंटीग्रल भी कंपैरिजन टेस्ट से क्या हो गया बच्चों, कन्वर्जेंट हो गया। ये बात जरा समझो यहां पर ध्यान से, ठीक है बच्चों। तो इसलिए ये कन्वर्जेंट हो गया, मतलब phi x बाउंडेड है और मोनोटोनिक है, और इंटीग्रल a टू इंफिनिटी, इंटीग्रल a टू इंफिनिटी जो हमारा fx है वो क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। एक बार ध्यान देना, a यहां भी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर a नेगेटिव हुआ और नेगेटिव से इन्फिनिटी जाओगे तो बीच में जीरो पड़ जाएगा, जीरो पड़ते ही ये इन्फाइनाइट चला जाएगा, फिर वो सेकंड काइंड में पहुंच जाएगा। इसलिए यहां पर फर्स्ट काइंड का रखना, इसलिए a को पॉजिटिव देना जरूरी है, नहीं दिया जाए तभी हम a को यहां पॉजिटिव ही लेकर के बच्चों चल रहे हैं, ठीक है। तो a बाय टेस्ट लिख दोगे, और क्या क्या खूबियां हैं भाई phi x की, क्या क्या खूबियां हैं वो लिख दोगे, इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी f x की क्या क्या खूबियां हैं ये लिख दोगे, और दोनों खूबियां अगर आपने लिख दी तो उनका मल्टीप्लाई भी क्या हो जाएगा बच्चों, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ये बच्चों हम लोगों ने एवल टेस्ट पढ़ा, जो कि इसके दो अच्छे एग्जांपल देखे। ये सब बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल होते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और ये सब दिमाग में रखने पड़ते हैं कि भाई ये एवल टेस्ट से होता है, ठीक है बच्चों। अगले वीडियो में कुछ और बढ़िया बढ़िया टेस्ट पढ़ेंगे, टॉपिक कंप्लीट होगा, टेंशन नहीं पालना, मस्त होगा, ठीक है बच्चों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।